여러분 만나서 반갑습니다. 할렐루야. मुझे आप सब से मिलकर बड़ी खुशी हुई. 오늘 하나님의 말씀은 스가랴서 4장 6절부터 7절 말씀입니다. 바이블 있는 사람은 읽어 주시기를 바랍니다. 예. 아, 잠 부다게 파그람에서 देखेंगे ज़िक्रिया चार बाब छः और शायद आज मैं पास्टर उबेस भाई से दुफास करूंगा तो वो रीड करें हम सबकी नसीहत और रहनुमाई के लिए आज का मुकर्रर करदा हवाला पुराने ऐदनामा में से ज़िक्रिया की किताब उसका चौथा बाब और उसकी छठी और सातवीं आयत और खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है तब उसने मुझे जवाब दिया कि यह ज़रबाबुल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तू जोर से और ना तवनाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफवाज फरमाता है ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है तू ज़रबाबुल के सामने मैदान हो जाएगा और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो फजल खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत आमीन आमीन 사랑하는 여러분 사람이 살아가다 보면 누구나 큰 문제에 부딪히게 됩니다. मेरे प्यारे अजीजों बहनों और भाइयों एक हर एक को अपनी जिंदगी में बड़े मिसाल का सामना करना पड़ता है. 사업에 큰 문제가 생기기도 합니다. 그룹할 게임 사일 का सामना करना पड़ता है. 남편과 아내에게 문제가 생길 수도 있습니다. 아, 쇼허 비비 और बच्चों के साथ मसائل पैदा होते हैं. 결혼이나 자녀 문제로 마음이 부딪히는 일이 있을 수 있습니다. 이즈와지 जिंदगी मतलब घर के सेहत के मसائل पैदा होते हैं. 그리고 물질의 문제로 얽매일 수도 있습니다. और ऐसे औकात होते हैं कि जब हम मादी चीजों में बंधे होते हुए होते हैं. 생각지도 않은 일들이 많이 생겨서 놀랄 때가 너무 많이 있습니다. और कई बार ऐसा होता है कि हम गैर متوقع चीजों में फंसे हुए होते हैं और शर्मिंदगी पेश शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं. 이것은 예수를 믿는 사람이라 예수를 믿지 않는 사람과 똑같이 일어나는 일입니다. 우리 온 लोगों के लिए है जो यीशु पर ईमान रखते हैं और जो नहीं रखते. 예수 믿는 사람들도 아직은 천국에 있는 것이 아니라 이 땅에 있기 때문에 같은 문제들이 일어납니다. और जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं लेकिन अभी तक वो जमीन पर हैं जन्नत तक नहीं पहुंचे. 안 믿는 사람들과 마찬가지로 문제를 만나면서 이 땅에서 살아가고 있는 것입니다. और आप ऐसे गैर ईमानदारों की तरह मसाइल का सामना करना पड़ता है. 세상 사람들은 자기가 감당하지 못할 일을 만나면 훌륭한 사람을 찾아갑니다. और जब दुनिया को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम ये समझ होते हैं कि हम एक ताकतवर की तलाश में होते हैं किसको गिराने की तलाश में होते हैं. 훌륭한 사람이나 권력 있는 사람을 찾아갑니다. और मैं अजीम लोगों को ताकतवर लोगों की बासलाहियत लोगों की तलाश करना चाहता हूं. 그래도 그들도 똑같다는 것입니다. 해결하지 못할 수 있는 일이 너무도 많다는 것입니다. 남자고 사일과 싸움을 करते हैं तो वो हल नहीं कर सकते बल्कि उस पर छोड़ देते हैं. 그러나 예수 믿는 저와 여러분은 다르다는 것입니다. 다음 아버 मैं यीशु पर यकीन रखते हुए मुस्तरिफ हैं. 우리가 그들과 다르다는 것은 내가 할 수 없는 일을 하나님께 맡기는 것입니다. और जो चीज हमें उनसे मुस्तरिफ बनाती है वो ये है जो मैं नहीं कर सकता और जो हम यीशु पर छोड़ देते हैं. 예수님께서는 어떤 일이든 한계가 없습니다. 예수기 अपनी ताकत या काबिलियत की कोई हद नहीं. 예수님을 믿는 믿음으로 이겨낼 수 있습니다. 예수기 मदद की कोई हद नहीं. 하나님의 때에 가장 귀하고 가장 아름다운 방법으로 응답하여 주시는 것입니다. 아고 सिर्फ यीशु पर भरोसा रखना है और अपनी सारी फिक्रें यीशु पर छोड़नी है. 오늘 여러분들도 그렇게 도와주실 예수님을 만나기 위해서 나온 줄 믿습니다. 구다 के वक्त पर ही सब कुछ कीमती और खूबसूरत तरीके से मसाइल का हल करता है. 아멘. 아멘. 내가 할 수 없는 일들을 예수님께 맡기는 것이 믿음입니다. और मुझे यकीन है कि आज भी हम यीशु की मदद हासिल करना कर सकते हैं और इबादत करते हैं. 그것이 하나님의 영광을 드러내는 일입니다. और ईमान उन चीजों को सौंपता है और हम ईमान में बढ़ते हैं.
사랑하는 여러분, 여러분들이 이 믿음이 없을 때는 원망이나 불평이 나옵니다. 아멘. 예수 믿는 믿음에서 사람은 원망이나 불평을 하면 안 되는 것입니다. 메레 प्यारे अजीजो और बहनों और भाइयों जब आप में ईमान नहीं होता तो नाराजगी शिकायत मुश्किलात हमें आती हैं। 부모를 원망하면 안 됩니다. 자녀를 원망하면 안 됩니다. 남편을 원망하면 안 되는 것입니다. और लोग खुदावन यीशु मसीह से यानी कि अपने ईमान के बारे में शिकायत करते हैं अपनी मुश्किलात के बारे में 배경이나 환경을 원망하지 말아야 합니다. 이런 일들은 미래가 없는 사람들에게서 나오는 것입니다. 소망이 없는 사람들에게서 나오는 것입니다. 그러나 여러분, 우리에게는 예수님이 계십니다. 나라즈기 마유시세 아티 해. 어떤 환경이나 처지에도 원망을 하지 말아야 합니다. 왜냐고요? 생명 대신 예수님이 그 생명 대신 그 예수부터 영이 우리 안에 있기 때문입니다. 오늘 우리에게 어떤 문제가 있다 할지라도 주님께 맡기는 믿음의 소유자가 되시기를 축복합니다. 그러면 감사가 나고 기쁨이 나옵니다. 여러분 모든 문제는 믿음만 있으면 다 해결할 수 있습니다. 통선함에게 어떤 문제가 있어도 예수님의 해결 주권을 믿으시기를 축복합니다. 여러분 사랑하는 이스라엘 사람들이 큰 문제가 만나게 되었어요. 아지소 बनी इसराइल एक बड़ा पहाड़ का मसला था। 보통 문제는 보통 산, 큰 문제는 큰 산이라고 말합니다. 아암 사일, 아암 पहाड़ों, 아암 पहाड़ कहने लगे बड़ा मसला है। 그래서 예수님께서 마가복음 11장 23절에서 말씀하고 계십니다. 마가복음 11장 23절. 마르코스 11장 और उसकी 23 आयत और खुदावन के कलाम में यूं लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा आमीन 예수님은 산 같은 장암의 그 어떤 문제도 기도하고 맡겨라 했습니다. 예수님은 맡겼으면 마음에 의심하지 말라고 하시는 거예요. 오늘 본문의 스가랴도 큰 사람대가 무엇이냐? 아까 맞던 비 이스크리아서 부르다 해. 에이 아짐 파하드 투 क्या 해? 네가 스룹바발 앞에서 평지가 될지어다. 아브 저바블께 사무니 매단 반 자잉게. 매 찌익 रहा हूं. 아멘. 아멘. 지금 이스라엘 백성 앞에 큰 문제가 생겼습니다. 바니 이스라엘께 사무니 अभी एक बड़ा मसला खड़ा है. 바벨론이라는 거대한 나라가 침입을 받아서 나라가 망한 상황이에요. 바벨 남이 अजीम قوم کے حملے اور بربادی کے نتیجے میں سب کو سیر کر لیا ہے۔ 그리고 10년 70년 후에 해방이 돼서 조국에 돌아와 보니 아무것도 없습니다. اور 70 سال کے بعد بھی جب ہم آزادی کے بعد اپنے وطن واپس آئے تو مندر کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اس بتا رہے ہیں کہ جب زکریا अपना जब खुदावन से बोला कि मिस्र की तरफ जा और वो जरबाबल अपनी मर्जी से किसी और इलाके में चला गया और उस पर मुसीबतें आई तकलीफें आई ऐसे भी हमें नहीं करना बल्कि अपनी डायरेक्शन एक रखनी है हालेलुया हालेलुया 그러나 노모엘 산들이 너무나 많이 있었습니다 और ज़िकरिया जो खुशी के साथ भाग रहा था जब उसे मुल्क से आजाद किया था
포로로 잡혀갔다 오니까 첫째 돈이 없어요 돈이. लेकिन चढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं था। 그리고 돈 있는 사람은 망한 나라에 가봤자 무엇 하냐고 돌아오지 않았습니다. 캐드에 रहने के बाद मैं वापस आया और पाया कि सबसे पहले मेरे पास पैसा नहीं था। 이런 상황에서 성전을 재건축한다는 건 너무나 힘든 일이었습니다. और इन हालात में मंदिर को दोबारा बनाना बहुत मुश्किल था। 성전을 건축할 리더자가 없어요, 리더자가. मंदिर की तमीर की क्यादत करने वाले कोई रहनुमा नहीं था। 무슨 일이든지 일을 하려면 리더자가 필요했어요. 돈 있는 리더자가 필요한데 그런 사람이 없었습니다. और क्या हो रहा था? ये किस किस्म की तंजीम है? चीजों को अंजाम देने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। 그리고 어차피 하지 못할 거 뭐라 하냐? 우리 가족들 밥 먼저 먹고 하자 이렇게 말했습니다. लेकिन उनके लिए काफी रकम वाला कोई नहीं था। 그러나 문제를 문제로 보는 눈이 문제라는 것입니다. और वो मेरी पीठ के पीछे सरगोशी करते हुए कहते थे, मैं बहरहाल ये नहीं कर पाऊंगा। 그러나 이런 문제가 여러분 이 중에도 있을 수가 있다는 것입니다. और ए पहले अपने खानदान को खाना खिला। हालेलुया। हालेलुया। 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 할렐루야. 할렐루야. 어. 어, 이 수르테할에 लोग यहां हो सकते हैं। 시대적으로 어렵고 경제적으로 어렵습니다. और औकात मुश्किल और معاشی طور پر مشکلات میں پڑ سکتے ہیں। 코리아 가려고 비자 신청을 했는데 비자가 나오지 않습니다. मैंने कोरियन زبان सीखी। हालांकि कोरिया जाना बहुत मुश्किल है था। लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल सकता। 자녀들의 문제로 어려움 만날 수 있습니다. 어, 예, 아프게 बच्चों के मसाइल की वजह से मुश्किलात हो सकता है। आप में भी ये मुश्किलात आ सकती हैं कि आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी जो है सक्सेसफुल नहीं मिल रही। आप मायूस होने की मायूस नहीं होना बल्कि उम्मीद रखनी है। 사업의 문제로 어려움을 만날 수 있습니다. और उस वाजी मसाइल की वजह से ये मुश्किल हो सकता है। 목회자는 목회자대로 어려울 수가 있습니다. 파드리 파드리오의 마음라트에 दुश्वारी हो सकती है। 그러나 중요한 것은 문제가 아니라는 것입니다. लेकिन ये मसाइल ये मसला नहीं ये अहमियत नहीं रखता। 문제를 문제로 보는 눈과 마음이 문제라는 것입니다. मसला आंखों का नहीं मसला दिमाग का नहीं मसला मसले का है। 여러분, 우리는 어떤 큰상 같은 문제를 만나도 다 해결할 수 있습니다. 할 거의 함 सबसे बड़ा मसला भी संभाल सकता है। 지혜와 총명의 신 그분이 우리를 이기게 할 수 있습니다. 할렐루야. 할렐루야. 함 हुकूमत और समझ के खुदा की वजह से जी सकते हैं। 아무리 큰 상황 같은 문제도 해결할 수 있습니다. 마슬라 kitna hi bada kyun na ho hum use hal kar sakte hain. Amen. 그렇다면 이 문제를 어떻게 처리할 수가 있을까요? To hum un masail se kaise nip sakte hain? Un par kaise kabu pa sakte hain? Hallelujah. Hallelujah. 오직 성령으로 이겨낼 수 있습니다. Sabse pehle aap se rul quddus se kabu pa sakte hain. Amen. 많은 사람들이 큰 상 같은 문제를 만나서 한탄하고 있습니다. जब आपको कोई कानूनी मसला या दरपेश होता है तो आप वकील के पास जाते हैं। 그러나 스그라는 낙심하지 않고 기도했습니다. 아, लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। 이는 힘으로 되지 않고 눈으로 될 수가 없느니라. 다음 बहुत से मसाइल हैं जो वकील और डॉक्टर की तरफ से हल नहीं किए जा सकते। 여러분, 사람들은 어려운 문제를 만나면 변호사를 찾아갑니다. जब आपको कोई मुश्किल पड़ती है यानी कि معاشرے میں کوئی کیس وغیرہ آ جائے تو آپ کسی وکیل کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ 그리고 배가 아파요, 몸이 아프면 의사를 찾아갑니다. 이거? 의사를 찾아갑니다. 몸이 아프면 의사를 찾아갑니다. 다음 बहुत से मसाइल जो वकील और डॉक्टर भी हल नहीं कर सकते। 그러나 그들도 해결하지 못하는 문제가 얼마든지 있다는 거예요. और बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इंसानी ताकत और सलाहियत से हल नहीं किए जा सकते।
사람의 힘이나 능력으로 되지 않는 일들이 너무너무 많습니다. 사람은 도저히 해결하지 못할 일들이 너무 많이 있다는 걸 그때서 알게 됩니다. 그리고 그 사람들은 그런 어려운 문제를 만나면 자리에 주저앉고 맙니다. 밥도 안 먹고 힘들어합니다. 할렐루야. 할렐루야. 그러나 우리 안에서 말씀하시고 그 말씀을 성취하시는 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 레긴 예수 조 हमारे अंदर बोलता है अपने अल्फाज को पूरा करता है बोल रहा है हमें यही मान रखना है. 할렐루야. 할렐루야. 바이블 바이블. 마태복음 6장 27절 말씀입니다. 마티 제 बाप उसकी 27 आयत. और खुदावन के कलाम में यूं लिखा है तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके. 아멘. 아멘. 저와 여러분이 예수를 믿기만 하면 믿음대로 해 주시다가 말씀하시는 거예요. 뭐 कहता है कि अगर आप और मैं सिर्फ यीशु पर यकीन रखते हैं तो हमारे ईमान के मुताबिक करेगा. 우리는 살아 계신 하나님 앞에 솔직하게 고백할 수 있어야 됩니다. हमें जिंदा खुदा के सामने ईमानदार होना चाहिए. 생명되신 주님 나는 할 수 없어요. 그러나 하고 싶습니다. और हमें यीशु के सामने ईमानदार होना है, होना चाहिए जो जिंदगी है. 자, 하나님 저는 안 됩니다. 그러나 하고 싶습니다. 구다 में ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये करूंगा. 도와주세요, 도와주세요. 하나님 도와주세요. 구다야 meri madad kar, 구다야 meri madad kar, आसमानी बाप मेरी मदद कर. 십자가에서 피 흘려서 나를 구원하신 예수님 나를 도와주세요. 하나님 사일께 바람에 소치 और बुलंद आवाज से दुआ करें. 그러면 천지 만물을 지신 그분께서 찾아오십니다. 예수고 부가레 जिसने सलीब पर अपना खून बहाया. 오늘 스가랴가 내가 할 수 없는 일을 하나님께서 친히 할 수 있다고 말했습니다. 빌 구다 जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया रूहुल कुदस के जरिए आपके पास आएगा. 아멘. 아멘. 큰 사람 네가 무엇이냐? 매 यकीन रखता हूं खुदा पाक. खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है जो ताकतवर और हिकमत देता है. 네가 성령의 능력으로 명하노니 큰 사람 떠나가라. 예스. 오케이 오케이. 10. 매 रूहुल कुदस की ताकत से हुक्म देता हूं ए अजीम पहाड़ तू क्या है. खनसना तना खरा अब एक हमवार जमीन बन जाएंगे ये एक हुक्म है. 명령은 권세 있는 자가 하는 것입니다. 에 काम इख्तियार और दिल वालों की तरफ से दिए जाते हैं. 요한복음 1장 12절 말씀 보겠습니다. 요한복음 1장 12절 말씀. 요한나 उसका एक बाप और दो आय देखेंगे. 예히 이브다다메 구다케 사타. 아멘. 아멘. 예수 믿는 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말했습니다. 아브네 무제 아프네 बच्चे बनने की ताकत दी. 아멘. 만왕의 왕이신 만주의 주가 되신 그 하나님이 우리를 도와 주시는 것입니다. 예수네 함에 बतौरे मोमिनीन यानी के सच्चे मसीही खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार दिया है. 하나님은 여러분에게 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 바샤 और बादशाह खुदा तमाम रबों के रब ने हमें दिया है. 파키스탄 경찰들이 페이스북도 여권 보여 주세요. 말합니다. 파키스탄 पुलिस की तरह दी गई है. पुलिस के इख्तियार के तहत अपना पासपोर्ट दिखाएं. 파키스탄 경찰들은 파키스탄이라는 이 나라에서 준 권세로 페이스북도 보여달라고 말하는 것입니다. और हमें खुदा की तरफ से बच्चों के तौर पर दिए गए इख्तियार के जरिए जन्नत का वीजा मिलता है. 우리는 하나님이 준 권세로 천국의 비자를 받았습니다. हम अपने बच्चों की ताकत के जरिए हमारे सामने आने वाले मसाइल का ऐलान और शिकस्त देते हैं.
문제의 산들아 다 예수님 떠나 할지어다고 권세 있는 자가 말하는 거예요. 무시벗 के पहाड़ में हुक्म देता हूं और आपको यीशु के नाम पर जोर देता हूं कि हुक्म देता हूं. 아멘. 아멘. 예수 이름으로 질병의 큰 산 떠나가라. 예수 के नाम पर बीमारी है, बीमारियां, बीमारी एक बड़ा मसला है. 예수 이름으로 가난의 산 떠나가라. 예수 के नाम पर गुरबत का अजीम पहाड़ दूर हो जा. 아멘. 예수 이름으로 질병아 떠나가라. 예수 के नाम पर मुसीबत का पहाड़ दूर हो जा. 우리는 하나님의 좀 컨셉으로 질병을 명령하는 것입니다. हमारे पास कुछ नहीं, हम इसके साथ करते हैं, जो करते हैं यीशु के पास है. हालेलुया. हालेलुया. 우리는 그 예수님의 권세와 능력을 믿고 자녀된 권세로 선포하는 것입니다. हम यीशु के अख्तियार और ताकत पर यकीन रखते हैं और उनके बच्चे बच्चों के अख्तियार के साथ उन पर यकीन रखते हैं और यह ऐलान करते हैं. 우리의 모든 문제가 해결되는 것은 하나님의 은총이 있기 때문입니다. हमारे तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें खुदा का फजल हासिल होना चाहिए. 아멘. 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 문제의 큰 산을 떠나가라 평지가 될지어다. और सवाल बड़े पहाड़ को मैदान बनने से पुकारा. 우리는 하나님 앞에 은총을 더 많이 받아야 됩니다. 우리는 하나님 앞에 더 많이 은총을 받아야 됩니다. 함 सबको खुदा की तरफ से مزید فضل حاصل ہے کرنے اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. 이스라엘 백성들은 성을 다시 쌓았습니다. 바니 이스라엘 के शहर को दोबारा तमीर किया. 교회를 다시 건축을 했습니다. 저스코 दोबारा तमीर किया गया. 나중에 알고 보니 다 하나님의 은총이었습니다. बाद में मुझे पता चला कि ये सब खुदा का फजल था. 성경 속에 스가랴는 오직 성령으로 해냈습니다. 바이블 में 스가랴는 ये सिर्फ रूल कुदरत के साथ किया. 오직 예수님의 준 권세로 해냈습니다. मैंने सिर्फ यीशु के दिए गए अख्तियार के साथ किया. 사랑하는 여러분, 하나님의 은총을 받기를 축복합니다. मेरे अजीजो बहनों और भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको खुदा का फजल मिलेगा. 파키스탄 하나님의 은총 있는 나라입니다. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे खुदा ने नवाजा है. हालेलुया. यह चर्च खुदा के फजल के साथ एक चर्च है. आमीन. आप इस मुख्यालय इस मुख्यालय पास्टर जी 하나님의 은총 있는 분입니다. सीनियर पादरी जो वो शख्स है जिसे खुदा का फजल मिला है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सारे बोल दिया करो हालेलुया के बाद. इ교회 파스터님 사랑하고 축복합니다. और हमारे जो सीनियर पादरी हैं वो शख्स. हालेलुया. हालेलुया. ने 목사님을 잘 섬겨 주시기를 원합니다. 담임 목사님을 여러분이 잘 섬겨주기를 바랍니다. 예스 예스. 오케이 오케이. 오시엘 파드리. 담임 목사님. 담임 목사님. 오케이. 여기 여기. 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 오 할렐루야. 이 아빠 시엘 파스터해. 오늘 이스퍼 구다만가 파들해. 하나님의 은총 있는 목사님이십니다. 오늘 구다가 파들 앞서 카스레스에 호가. 할렐루야. 할렐루야. 모든 영광 하나님께 올려드립니다. अगर कोई आज पहली बार इबादत में आ रहा है तो मैं उनके दिलों को उन पर हाथ रखूंगी और दुआ करूंगी. हालेलुया. हालेलुया. 우르도로 여러분한테 예수님을 영접하는 기도를 우리 파스터님께서 해 주시겠습니다. 할렐루야. 잘해 볼래요. 할렐루야. 이 교회 파스터님 사랑하고 축복합니다. और हमारे जो सीनियर पास हैं वो शर हालेलुया के वो आपकी जो आप यहां पर चर्च में आकर दुआएं करती हैं वो आपकी दुआएं जो है सिनेरी गेट तक सिनेरी कुर्बान गा तक पहुंचेंगी और उसको कबूल करेगा. हालेलुया. यीशु ने मेरे को मान लो को यमदक की गोमेल तारा के सुनेगा. खुदावन यीशु से कहें तो खुदावन यीशु मैं गुनाहगार हूं. 사랑하는 예수님, 나는 예수님을 믿지 않았습니다. 내가 고담은 예수, 나 두주머리만 알았다고 매일 생각하고 있어. 지금까지 어디에서 와서 내 삶을 어디로 가는지 알지 못하고 방황하며 살았습니다.
آپ کہاں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں آپ ذرا دھیان سنیے اس بات کو مضمون کلوز ہو رہا ہے ذرا سمجھو انہوں نے تھا دیکھو انہوں نے ایک میدان بنایا ہے کہ تم سمجھ سکو مسئلے آنا آواز بھی جا رہی پیچھے آواز آ رہی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جتنے بھی مسئلے ہیں میدان نے بنایا آپ کا دھیان سے توجہ سے دیکھیں جب آپ دھیان تو کرتے ہیں نا میرا بھی ترجمے سے پھر وہ دھیان ہٹ جاتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے پھر مجھے بھی مسئلہ ہوگا ترجمہ کرنے میں کائنڈلی آپ دھیان تر کریں آپ کے لیے بہت بیسٹ والی میسج ہے یہ فرسٹ ٹائم یہاں پر میسج دے رہی ہے ویسے یہ والا پہلے تو نے میسج جب کیا یا نہیں دیا لیکن یہ بیسٹ بیسٹ میسج ہے مجھے بتائیے ہلیا دیکھیں ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے لیے مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس نے مجھے مول لے لیا ہے میرا خدا بن گیا میرا آقا بن گیا اور دیکھیں یسوع المسیح کو اپنا خداوند اور مالک اور منجی قبول کیجیے دیکھیں یسوع مسیح میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں بدیا کی ہیں آپ یسوع مسیح میں آپ کی معافی ہو چکی ہے کیونکہ یسوع نے آپ کے خاطر خون بہایا ہے بولو بولو یسوع مسیح کی ہللویا